हेलो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं बर्ड्स पे एक्चुअली बना रही हूँ। और उसके लिए जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ये एंकर के थ्रेड्स हैं और ये वाला डिफरेंट ब्रांड का है। इसके ऊपर ये बटरफ्लाई लिखा हुआ है और ये 100% कॉटन का वैसे है रेगुलर थ्रेड। और इनके नंबर ये वाले हैं, तो हम आप कोई सा भी किसी भी ब्रांड का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। आप वुल के साथ भी बना सकते हैं, क्रोशे थ्रेड के साथ बना सकते हैं, आप कोई सा भी थ्रेड यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो ये जो हमारा बर्ड है, इसकी जो ये बीक है, जो इसकी चोंच है, वो हम बनाएंगे ब्लैक कलर के साथ। और मैं इसमें इसके जो 6 स्ट्रैंड्स हैं वही यूज़ कर रही हूँ धागे। और अब हम इसकी आई बनाएंगे, क्योंकि वो भी हमें ब्लैक कलर के साथ ही बनानी है, इसलिए हम इसकी आई अब पहले बना लेंगे। और इसको भी मैं स्ट्रेट या साटन स्टिच के साथ बना, अगर स्मॉल बर्ड हो, उसकी आई स्मॉल हो, तो फिर हम उसे फ्रेंच नॉट के साथ भी बना लेते हैं। अब यहाँ पे इस जगह को ये लाइनें लगाने के लिए मैं ये 3 स्ट्रैंड्स यूज़ कर रही हूँ इसके ब्लैक कलर के। ये देखें आप, ये 3 स्ट्रैंड्स यूज़ कर रही हूँ, 3 धागे आपने डालने। और इसे मैं स्टेम स्टिच के साथ बनाऊँ। अब हम इसकी ये वाली बाउंड्री बनाएंगे। अब हम ये वाली चीज़ बनाएंगे इसकी, ये वाले विंग्स जो हैं, इन्हें मैं डिफरेंट तरीक़ों से बनाऊंगी, डिफरेंट स्टिचेस के साथ। अब ये वाला जो है, ये वाला जिसका पार्ट है, ये हम बनाएंगे फिश बोन स्टिच के साथ। इस तरह से आपने लेना है।
अब हम ये वाले इसके फैदर्स बनाएंगे, ये वाले जो हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपने पिन लगानी है इस तरह से, पिन या कोई नीडल कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो इसके सेंटर में ऐसे। फिर हमें यहां से स्टिच लेना है, इसके ऊपर से आपने ऐसे गुजारना है इसे, यूं ऐसे, अब यहां सेंटर से हम लेंगे एक स्टिच, और इसे हम यहाँ इस तरह से नीडल के नीचे से लेके आएंगे यूं, और फिर हम ऐसे इसको यूं, इस साइड वाला भी हमने ऊपर उठा दिया, इस साइड वाला भी ऊपर कर दिया, इसको हमने बॉटम, इसको ये सेंटर वाला जो है इसे हमने नीडल के नीचे प्रेस कर दिया। फिर हम ऐसे ही वापस लेके आएंगे, बगैर आपने किसी कपड़े में इसको नहीं करना है, यूं सेंटर वाला हमने यूं ऐसे उठा दिया और साइडों वाले हमने यूं नीचे प्रेस कर दी। अब ऐसे ही हम करते जाएंगे और इसे हम ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा इस स्टिच को हमने लूज छोड़ना है ताकि ये अच्छी तरह से पेटल की तरह से बन जाए। अब ये क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसा सेम नहीं था, तो हमने ये थोड़ा सा लंबा था तो हमने उसे इस तरह से कवर कर देना और फिर यूं इस तरह। और अब हम इसमें क्या करेंगे, ये नीडल जो है ऐसे निकाल देंगे, तो ये देखें इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक, यूँ इसी तरह हम सारे के सारे ये वाले ये जितने भी हैं ये सारे इसी स्टाइल से हम इन सबको बनाएंगे डिफरेंट कलर्स के साथ, जो आपको पिक्चर में नज़र आएंगे, जो आपको मेरी स्मॉल वीडियो में नज़र आएंगे, लेकिन हमने स्टाइल यही रखना है यहाँ तक। ठीक है, इन सबको डिफरेंट कलर्स में आपने बनाना है। अब हम ये वाली ब्रांचेज जो हैं ये बनाएंगे, आप कोई सी भी ब्रांचेस ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी तरह की, इसमें थोड़ा सा हम ये लंबे से स्टिच लेंगे, लॉन्ग लॉन्ग से, अब हम ये वाले लीव्स बनाएंगे। ये मैं रोमानियन स्टिच के साथ बनाऊंगी।
अब हम इसके ये वाले फीट बनाएंगे। अब ये वाला जो फ्लावर है ये हम डेजी स्टिच के साथ बनाएंगे, और इस तरह के बहुत सारे जितने भी आप फ्लावर्स ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। जस्ट बर्ड आपके पास बना होना चाहिए, आप कोई सा भी पैटर्न इसमें फिर बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो जितने फ्लावर्स होंगे सारे डेजी स्टिच के साथ होंगे, लीव्स सारे इस रोमानियन स्टिच के साथ, और ये फिशबोन स्टिच के साथ। ये देखिए सारा मैंने बनाया है, और ये वाला इस तरह से आप बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से, ठीक है। अदरवाइज जब ये सारे बन जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये वाला जो है ये मैं रेड स्टेम स्टिच के साथ ही बनाऊंगी। ये वाली जो चीज़ है, जो ये वाली इसकी बाउंड्री है, और ये पूरा आपको छोटी जो स्मॉल वीडियो होगी उसमें नज़र आएगा। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मुझे सब्सक्राइब करें, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।